अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं घर पे कुछ दिखा नहीं पाया, मैं डायरेक्ट साइट पे आ गया हूँ। ये अब्दुल भाई की साइट है हाउसिंग बोर्ड में, हमारे राजा भाई कलर बना के अभी हाथ धो रहे, अब्बा बैठे हुए ज़रा टेंशन में लग रहे, और साहिल मिस्त्री भाई। बहुत ही अच्छे मिस्त्री हमारे साहिल भाई, पूरी रिपेयरिंग कर लेते हैं एकदम मस्त। इनका नाम मैं रखा हूँ साहिल मिस्त्री। माशाल्लाह पेंटर भी बहुत अच्छे हैं और रिपेयरिंग का काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। देखिए हमारे साहिल भाई को इसी का काम सीखना था, लेकिन क्या करें, इसी का काम बंद है अभी इनका, और तो पेंटिंग लाइन में घुस गए हैं। बेगारी मिस्त्री बन गए, बहुत अच्छे हमारे। ये यहाँ पे बहुत खुला हुआ, घाबड़ा खुला हुआ है, यहाँ पे पूरा रिपेयरिंग करके हम लोग को भरना है। ये घर में भी काम है, लेकिन हम लोग को जो गैलरी है वो पहले अर्जेंट देना है, तो उसको इसको ये घर को बाद में करेंगे। देख लीजिए आप, हम लोग अभी जाने का है आउटसाइड मारने के लिए। देखिए ये है ना दीवार, वो छत पे चढ़ के मारने का, तो हम लोग दूसरे के रूम से छत पे जाके चढ़ेंगे। चलो चलते। बहुत भारी है यार, मैं उतर रहा हूँ नीचे। तो मैं छत पे चढ़ गया, काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर, बारिश की वजह से ना पूरा छत गिला रहता है, तो इसलिए चढ़ने दिक्कत होती है बहुत। हाँ मालूम है, तुम भी आ रहे? हाँ आ रहा हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, इसको रख दूँ कोने में अभी। हाँ आराम से पैर रख के आना, छत गिल्ला है। और देखो ना सामने दिख रहा है, इधर है, ये देखो, ये देखो काली थैली है ना, इसके बाजू में होल है, इसको बनाने का। क्या मारा पत्र है? डंप प्रूफ कुछ तो मारा है, तो इसको इधर रखता है, इसे खड़े में। छत का स्लोप देखो अब कितना स्ट्रेट सीधा सीधा दिया है, तभी तो बिचारे लोग के घर में पानी आ रहा है ना, जो जॉइंट है वहीं पे चलना। हाँ मालूम है। चलो साहिल सुनो, इधर आओ, ये इधर मत आना, दूर रहना इससे। वो देखो खुला हुआ है वहाँ पे, इधर आना, जहाँ पे हॉल है इधर हॉल के पास। हाँ हॉल के पास आओ, हॉल के पास। अरे ये पतरे का हॉल है, पतरे का इधर इधर बाजू में रखूँ? हाँ यहाँ आओ, अरे इधर रख रहा हूँ। अरे यार पतरे में जाने देते हैं, क्या काम होता था यार। क्या बात, राजा भाई डर लग रहा है फिर घर के आगे जीते कहाँ जाने का साड़ी पहन के कहाँ? अल्लाह अकबर। हाँ राजा भाई ऐसे ऐसे काम करते तुम, हाँ नाम खराब कर रहे हो भाई का। अरे वो उतना किनारे पे रखेंगे ना तो वाट लग जाएगी तुम्हारी। चलो मैं तुम्हारे को बरस डुबा डुबा के देता हूँ, तुम फटफट मारो। तो देखिए गाइस हम ऐसा आउटसाइड का काम करते हैं, बहुत ही रिस्की वाला काम है ये, फट जाती है हमारी इसमें। हेलो तो इस तरह से मारना पड़ता है। और मेरा अब्बा देखो वहाँ पे छत टूट गया है ना, तो छत बना रहे हैं, बैठ के टाइम पास कर रहा हूँ। तुमको नहीं बोल रहा हूँ,
ये करण मार रहा है, वो बाहर जाके देखो नीचे से। तो देखिए अब्बा खड़े हुए छत पे आराम कर रहे हैं। पूरा करण हमने वहाँ पे मारा माशाल्लाह, ये सब हम लोग के ही हाथ का कलर मारा हुआ है। वो ये सामने भी, अरे 20 साल हो गया ना तो सबका मैं ही मारा ना इधर। हाँ माशाल्लाह, मेरे अब्बा 50 साल के हैं लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र है कि अभी भी मस्त काम कर लेते हैं। आप लोग दुआ करें अल्लाह और उम्र में बरकत दे। मैं घुस रहा, मैं घुस रहा कहाँ घुसाने का, खतरे में क्या हो वे? हैंगर लगा ना, हैंगर छोड़ो ना, ए कहीं छूटा क्या इधर, बराबर है ना? हाँ लग गया, लग गया, सीखा मत। इतनी बीड़ी मत क्या करो, बेचारे मेरे अब्बा कब से बीड़ी जल्दी नहीं अल्लाह अकबर। खराब हो गए, टाइम हो गया उसका ख़त्म, एक्सपायर डेट। अरे क्यों परेशान हो रहे, नहीं चलेगा वो, छोड़ दो। तो 20 रुपये का था साहब, कितने दिन तक चलाएंगे उसको? कितने का था? 10 रुपये का लिए थे। हाँ तो छोड़ दो, उसका काम ख़त्म हो गया। लोग अभी जो आउटसाइड मार रहे हैं वो मारने के बाद हम लोग को वहाँ पर जाना है, जो दिख रहा है उधर पे मारने जाना है। अभी बात सोच लिए कि दोनों जन से आउटसाइड का ही सिर्फ काम करवाते रहेंगे बस। तो आउटसाइड का एक कोने कोने का छत मार दिए, ऐसा फेंका उड़ते हुए वहाँ पर गया। राजा भाई क्या खा रहे तुम? प्रोटीन है, ज़रा दिखाओ कौन सी प्रोटीन है तुम्हारी। अरे दिखाओ तो सही, छोटा प्रोटीन है यार। अरे वो राजा भाई जहर खा रहे, जहर प्रोटीन नहीं हो, जहर है। मत खाया करो यार, ये नहीं खाएंगे तो काम नहीं आएगा तुम्हारा। नहीं आएगा पक्का, मैं तो नहीं खाता तो मेरे से काम कैसे होता है। लेकिन थोड़ा आलसीपन होता है लेकिन काम हो जाता है। चलो अभी रोलर की बारी आ गई है, रोलर डुबा डुबा के देता तुम्हारे को, तुम मारते। तो हमारे राजा भाई रोलर से आउटसाइड की दीवार मार रहे हैं। आधी दीवार हो गई, हम लोग अभी रोलर जॉइंट करके पूरी दीवार उतारेंगे। आधा आउटसाइड का दीवार हो गई है। राजा भाई कमर कैसे दुख रही है तुम्हारी, मज़ा आया कि नहीं? आधा छाती पहले से था ऐसा और छाती अंदर। हाँ तो गुटखा खाना बंद कर दो ना, हाँ गुटखा खाएंगे तो तुम्हारी छाती दर्द देगी ना। तो मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे यूट्यूबर वाले, ज़रा राजा भाई को समझाओ कि गुटखा इटका नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, इससे आगे चल के बहुत दुर्घटना हो सकती है। तो अभी राजा भाई की शादी भी नहीं हुई है, तो दुआ करें इनकी शादी इंशाल्लाह जल्दी से जल्द लड़की मिल जाए कोई ना कोई। क्या बोलते राजा भाई, शादी करेंगे ना? करेंगे, सब करें तो मैं भी करूँगा। तो ज्वाइंट करके हम लोग अभी आउटसाइड मार रहे हैं। ये सामने वाले छत पे आंटी चढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग को ऊपर से ही मारना पड़ रहा है, वरना छत पे चढ़ने देते तो हम लोग को आराम से हो जाती थी, मुसीबत झेलनी नहीं पड़ती थी। नहीं जम रहा है अभी, ये छोटू भाई मार रहे हैं ऑफ साइड, मेरा सीना दर्द दिया इनको, थोड़ा बोला तुम मारो अभी, नहीं लगेगा ऊपर नीचे से लगेगा, पर इनसे नहीं लग रहा है, अब क्या करें इनको। रोलर चल ही नहीं रहा है, देखो नहीं चल रहा, रोक नहीं, पकड़ ही नहीं रहा है। हाँ थोड़ा पीछे है, पकड़ ही नहीं, नीचे जाएंगे नीचे से, नीचे से ही होएगा वो। हाँ रोलर नहीं पकड़ रहा है, माल पकड़ रहा नहीं है ना बराबर। हाँ। इसलिए तो मैं भी मार रहा था, नहीं हो रहा था। तो देखिए मेरा छाती की एड़ पकड़ी, फटे दर्द रहा पहले, मैं नहीं खेल रहा जा रहा हूँ छत पे। अभी अपा जीरा सोडा लेकर आएंगे, जीरा सोडा पीएंगे उसके बाद। छत पे काम कर रहे थे, देखिए यहाँ पे काफ़ी धूप है, तो मैं अब्बा से जीरा सोडा मंगाया हूँ अभी, तो लेकर आ गए हैं अब्बा ने। तो चलो राजा भाई थोड़ा जीरा सोडा पिएंगे, गर्मी को मिटाएंगे, उसके बाद थोड़ा काम करेंगे भाई, बहुत ही धूप लगती छत पे। अब थोड़ा कलेजे को ठंडक मिलेगी।
अच्छा नहीं खा रहा। तो जीरा सोडा एक नंबर लगता है, दिल खुश हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पी सकते इसको, लिमिट में। अरे एक खाना खाने के बाद पिएगा ना, हाँ तो खाना हजम हो जाता, घंटा हजम आती है ना कुछ, उसके बाद जीरा सोडा पिएगा ना तो खाना हजम हो जाता है, एकदम पेट फ्रेश हो जाता है। आपको खाना खाया तो बेकार खट्टी खट्टी, अच्छा तो उसके ऊपर जीरा सोडा पी लेना, अरे उल्टा हालत खराब होगी पागल, खाने के ऊपर जीरा सोडा पिएंगे। हाँ तो डकार तो कुछ भी पिएगा तो आएगी, खाना भी खाएगा पानी भी पिएगा तो डकार आएगी। डकार नहीं मतलब कभी कभी आती ना ऐसा, खाना हजम नहीं होता। हाँ तो तुम्हारा पाचन खराब है, मेरा तो नहीं खराब है, मेरा तो भी हजम हो जाता है, सब कुछ हजम हो जाता है। डिस्प्ले नहीं फूटा, वो सिर्फ गोरिल्ला ग्लास फूटा है, वो बाथरूम गिर गया था ना टाइल्स पे। टाइम पास मत करो यार, काम करो। अब्दुल भाई को भेज दूंगा तुम्हारी वीडियो। आराम से यार, गिरना नहीं। थक गया ए साले, रिकॉर्डिंग एक लाफा मारू ना। अरे मेरी याद दलबो ले पूरा मारो, रुमाल देता तुम्हारा गिफ्ट 20 रुपए वाला, क्या है वो। छत पे राजा और साहिल ऊपर चढ़ के आउटसाइड मार रहे हैं। बेटा ज़्यादा आगे बता, आ गया हूँ ऊपर। साहिल भाई ने ये वायर पकड़ने के लिए बुला लिया मेरे को, आउटसाइड मार रहे तो वायर अड़चन कर रहा था बीच में। ये मेरे मोबाइल में मत मानना, आराम से आराम से भाई। जिसका आपको इंतजार था वो दोस्त आ चुके हैं। शबीक भाई कहाँ थे तुम सुबह से? मेरी बेटी की तबीयत खराब थी। हाँ मैं दवा खाना गया था। अच्छा यही अभी आपके साइड पे आया हूँ। हाँ और सलमान भाई अभी जा रहा हूँ वसीम भाई के साइड पे, बाल्टी वगैरह जो रूम वाले थे वो शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारे दूसरे वाले अंकल पे जानते रहेंगे। ये रहा एकदम फास्ट करूँगा, बस पहुँचने वाले हैं वसीम भाई के साइड पे, जो जिसमें मेरे 10,000 व्यू गए थे वही साइड है। तो देखिए यही वो साइड है, आया माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है पूरी टाइल्स, करावट टाइल्स लग रही है।
व्यूअर्स, मैंने काम की छुट्टी कर ली है क्योंकि शफीक भाई के घर में थोड़ा सा सफाई वगैरह करने का था, भाई थोड़ा बाहर गए हैं तो मुझे बोल के गए थे थोड़ा सा काम बचा है ये पूरा कर ले, क्योंकि आज 19 तारीख है तो आज का ये मतलब पूरा रूम का महीना ख़त्म होने वाला है, तो इस वजह से और हूँ फटाफट पूरी सफाई वगैरह कर दी। तो ओपन कैमरा भी इतना साफ नहीं दिखा, ओपन कैमरा यूज। तो देखिए माशाल्लाह भाई की फ्रिज आ गई है, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। मेरे क्रॉम्पटन का फंका अभी जस्ट दोपहर में लेकर आए। बाकी सब सामान ऊपर चढ़ गया है, चलो ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। और इंशाल्लाह धीरे धीरे शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। क्या पकड़ नहीं है, पकड़ तो चाहिए, वहाँ से पंखा निकाल ली। और स्क्रू ड्राइवर भी नहीं, स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं। मस्त है एकदम, 10 साल की वारंटी। मेरी प्रोसीजर दीवार टेंशन है इस साइड की, नहीं नहीं इसे सिर्फ बल्ब चालू करके छोड़ दो और ऑटोमेटिक सूख जाएगा। इस साइड की पूरी दीवार गिल्ली है ना, और ये भी तो है तो। पूरा प्रोसीजर है, नहीं रुकेगा अंदर से नहीं रुकेगा। नहीं 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 वो पानी बारिश जाएगी ना तभी वो सूखेगा। और याला माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है स्पीकर, स्पीकर अच्छा है, मस्त साउंड ट्रैक है। 80 वोल्ट। हो गया पूरा हालत खराब हो गई, पसीना पसीना हो गया। हाँ बाहर ले लो, बाहर लेके साफ करो आराम से। पर नया ले लो, पर दूसरा ले लो सही रहेगा, पूरा टेढ़ा हो गया ये देखो, पूरा जंग भी लग गया, ख़राब हो गया। तो हम लोग जा रहे हैं अभी लेके यहाँ से सामान शफीक भाई के घर पे, पूरा घर खाली हो गया देख लो, पूरा खाली हो चुका है। अब ये सब ये लेने का है किसी और को, वो बंदा अभी तक आया नहीं, लेने आ जाएगा तो देखे खत्म करेंगे। फ़ोन भी किए थे भाई को लेकिन बाकी सब सामान चले गया। ले छोटा ऐसे ही अपना। हाँ वो भी ले लो। ये साइकिल हसनैन को दे देना, चला आएगा वसीम भाई घर पे रखवा देते उसको। मत लो मेरे को भी नीचे वो भी रहने दो, पसारा नहीं रखना। अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और शफीक भाई सबको चाय पिला रहे हैं। और छोटू की व्लॉगिंग कैसी लग रही है, कुछ जगह गलती रही तो आप लोग बताओ कमेंट में। हाँ ज़रूर अजा भाई, पगार मिली? हाँ कितने रुपये मिली? टाइम देख रहे तुम? हाँ 6:30 बोले किसका? मेरा मेरा वीवो गया हूँ घर पे, और भाई का पूरा काम हो गया है। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।